हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीएस लेडीज फैशन। कुर्ती में साइड की फिटिंग की सिलाई किस तरह लगानी है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैंने अलग अलग अपलोड की है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में स्लीव्स को अटैच करना बताया था, अब यहाँ पे स्लीव की कुर्ती की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्लीव के बॉटम को इस तरह से यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए इसकी स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करने के बाद हम स्लीव को इस तरह से बिल्कुल बराबर फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये दोनों जो जॉइंट्स होते हैं ये बिल्कुल बराबर आने चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे हमें इसको पिन लगा के सिक्योर कर लेंगे ताकि ये ना हिले। अब हमें क्या करना है, स्लीव के बॉटम राउंड का निशान लगा लेना है। जितना स्लीव का राउंड होता है, जो भी आपका स्लीव का राउंड होता है, उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड कर लेना है और उसका हाफ ले लेना है। यहाँ पे मैं 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, यानी कि मुझे थोड़ा लूज ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे कम भी कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से अगर आप 10 इंच रखना चाहें तो 5 इंच पे मार्क करें, अगर आप 9 इंच रखना चाहें तो 4.5 पे मार्क कर लें, उसका हाफ ले लें। जितना फिटिंग आप पहनना चाहते हैं उस तरह से आप यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब हमें क्या करना है, इस वाले निशान से जो हमारे यहाँ पर चेस्ट राउंड का निशान है, इस निशान तक हमें इसको मिला देना है। अब हम क्या करेंगे, इस टेप को लेंगे और इन दोनों निशानों के बराबर इस तरह से टेप को रख लेना है और यहाँ पे हम इसकी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देना है। और इसी के बराबर हमें इसकी सिलाई लगा देनी है, जहाँ पे हमने हिप राउंड का निशान लगाया है वहीं तक हमें सिलाई को लाके स्टॉप कर देना है। और दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से मार्किंग कर लेना है। हम इसको उल्टा कर लेंगे इस तरह से और फोल्डेड वाली साइड से 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। जिस तरह से उस स्लीव में हमने 5.5 इंच मार्क किया था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। और इस चेस्ट राउंड वाले निशान से इस स्लीव बॉटम वाले निशान तक हम बिल्कुल बराबर मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस साइड भी हम इसकी सिलाई यहाँ तक हिप राउंड की निशान तक लगा देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मशीन पे स्लीव के बॉटम को पहले फोल्ड कर लेंगे, यानी कि डबल फोल्ड कर लेंगे। पहले 1/2 इंच फोल्ड कर लेना है, फिर इसको इस तरह से दोबारा डबल में फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमें स्लीव बॉटम को फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर देनी है। बॉटम स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद इस तरह से स्लीव के सीधी साइड को अंदर रखते हुए इस तरह से डबल में फोल्ड करना है, यानी कि जो मार्किंग हमने लगाया है वो इस तरह से ऊपर आना चाहिए और उसी लाइन के बराबर हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और यहाँ पे देखिए, इस पीछे की साइड ये जो जोड़ है इसको इस तरह से ऊपर की तरफ कर लें, नीचे की साइड इस तरह से हमें ऊपर कर लेना है और यहाँ पे भी ये ऊपर साइड ही होना चाहिए इस तरह से। और इसके बीच में जो जॉइंट है ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। बिल्कुल बराबर जो निशान हमने लगाए हैं कुर्ती कटिंग के वक्त, बिल्कुल उसी निशानों के बराबर हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। देखिए, ये हमारे हिप राउंड की निशान है, बिल्कुल हमें यहाँ पर लाके सिलाई को स्टॉप कर देना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे सिलाई कंप्लीट की है। यहाँ पे आप चाहें तो एक्स्ट्रा स्टिच भी लगा सकते हैं, फ्यूचर में अगर आपकी कुर्ती टाइट हो जाएगी तो इससे आपको लूज करने के लिए काम आएगी। तो इस तरह से आप 2 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं या 3 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, नॉर्मली 2 से 3 तक हम लगा सकते हैं। और यहाँ से हम जो भी हमने पहले वाली फिटिंग की सिलाई लगाई है, बिल्कुल उसी के बराबर हमें 1/2 इंच की दूरी पे इस सिलाई को लगाते जाना है वहाँ से। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इस सिलाई को जो हमने पहली वाली सिलाई लगाई है हिप राउंड की, ये बिल्कुल इसी के सिलाई में हमें इस दूसरी सिलाई को मिला देना है, बाजू में नहीं लेके जाना है, सिर्फ उसी सिलाई के अंदर इस सिलाई को ख़त्म कर देना है। ये देखिए, इस तरह से हमने हिप राउंड की सिलाई जो पहले वाली लगाई है बिल्कुल उसी के बराबर लाके हमने इस सिलाई को भी लगा दी है। इसी तरह से आप
तीसरी सिलाई और चारवीं सिलाई जो भी लगाते हैं उन सभी सिलाइयों को आपको हिप राउंड के सिलाई के पास ही लाके उसी सिलाई के अंदर आपको मिला देना है। ऐसा नहीं है कि आप बाजू बाजू में स्टिच कर लें, ऐसा नहीं करना है। ये देखिए मैं भी यहाँ पे हाफ इंच की दूरी पे वहाँ से स्टिच कर लिया है और यहाँ पे बिल्कुल मैं हिप राउंड के सिलाई जो पहली लगाई है बिल्कुल उसी में हमने तीसरी लाइन को भी मिला दिया है। इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये पहली वाली सिलाई है, दूसरी सिलाई, तीसरी सिलाई, तीनों को भी हमने एक ही बराबर मिला दिया है। और दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से स्टिच करना है। स्लीव के बॉटम राउंड को स्टिच कर लेना है पहले हमने डबल फोल्ड करके, जो हमने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच छोड़ा था स्लीव के कटिंग में, उसको हम डबल फोल्ड करते हुए इस 1 इंच को हम फोल्ड करके स्टिच कर लेना है और इसको डबल में फोल्ड करते हुए स्लीव को जो लाइन हमने ड्रॉ की है फिटिंग की सिलाई कर देनी है। इस साइड भी हम जिस तरह से हमने उस साइड फिटिंग की सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी तरह इस वाली साइड भी हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। ये देखिए इसको इस तरह से ऊपर करना है, अंदर की दोनों की जोड़ जो है वो बिल्कुल बराबर रख लेना है और सिलाई लगाना है। इस सिलाई को भी हम जहाँ पर हमारे हिप राउंड का निशान लगाया है बिल्कुल वहीं तक ला के इसको स्टॉप करना है। और इसी तरह आप एक्स्ट्रा सिलाइयों को जिस तरह से मैंने उस साइड बताया था उसी तरह आप इस साइड भी लगा लें। तो देखिए हमने दोनों साइड कुर्ती की साइड की फिटिंग की सिलाई लगा ली है। आप एक्स्ट्रा सिलाइयाँ आप लगा लें जिस तरह मैंने बताया था उस तरह से, तो हमारी दोनों साइड कुर्ती की फिटिंग की सिलाई जो है वो बिल्कुल अच्छे से लग गई है। तो ये देखिए कुर्ती को सीधा करने के बाद इसका लुक जो है इस तरह से है। ये अच्छे से यहाँ पे इसका शेप निकल गया है, अच्छे से दोनों साइड इसकी शेप अच्छे से दिख रही है, यानी कि इसकी फिटिंग बहुत अच्छे से हुई है। होप कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस कुर्ती की स्लिट की फोल्डिंग करना बताऊँगी, किस तरह से हमें इस स्लिट को फोल्ड करना है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।